Hello dosto, once again a very welcome back to the new video, and in this video I am going to answer one of the most frequent question, and that is ki college kab jana hai. Theek hai, ab jaise yahan par kal yahan par result declare hua hai shaam ko 6:30 6 se leke 7 baje ke beech mein, tab se yahan par ye sawal bahut aa raha hai. Aur yahan par kal shaam ko hi yahan par mere paas message aa gayi ki sir humne yahan par tuition token fees bhi pay kar di hai, admission slip bhi generate karna hai, to kal kya main college ja ke aaun ki nahi. To dekhiye, ये वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि कॉलेज कब जाना है. अब यहाँ पर आप आज कल परसों जब भी कॉलेज जाना चाहते हो जा सकते हो, बट एज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चक्कर लगाने के लिए हम बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आज और कल आप जब भी कॉलेज जाओगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको सबमिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कॉलेज सब कुछ डेटा है वो प्रोसेस कर रही है, डेटा वेरीफाई कर रही है. तो फिर यहाँ पर ऑफिशियली कब कॉलेज जाना होगा ना, ये जो सवाल है इसका जवाब आपको ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपने जो ACPC में रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा उसके अंदर आएगा कि कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन आवर कॉलेज, यू आर हैविंग रिपोर्टिंग डे ऑन दिस टाइम और ऑन दिस वेन्यू. ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल के अंदर या फिर व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू आपको यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर आपको कौन से कॉलेज मतलब कौन से दिन के अंदर कॉलेज जाना है. अब आप यहाँ पर ये पूछोगे कि सर डॉक्यूमेंट हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आप कॉलेज के अंदर हेल्पलाइन नंबर के अंदर जो भी कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर होता है उसके अंदर आप फोन करके पूछ सकते हो, या फिर जो भी पर्टिकुलर कॉलेज के लेट्स से दैट कि आपको LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर नोटिस बोर्ड होता है वो नोटिस बोर्ड पढ़ सकते हो. नोटिस बोर्ड के अंदर नोटिस आ गई होगी कि आपको इस दिन के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग करना है. ठीक है, सो ये इस तरह का यहाँ पर आपको सब कुछ नोटिस बोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पर लिखा होगा कि कब मतलब कौन सा स्टेप्स कब होने वाला है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि कॉलेज मतलब जाना है तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द ओरिएंटेशन. ठीक है, तो ओरिएंटेशन में क्या होता है कि ओरिएंटेशन में यहाँ पर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं होता है, आपकी फैकल्टीज आती है वो सब कुछ यहाँ पर आपको समझाती है कि क्या कुछ आगे चल के होने वाला है. ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, बाय बाय.